हेलो नमस्ते। आज हम स्टूडियो में बच्चों के शरीर में खून की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो या आयरन की कमी हो या विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो या उनको चक्कर आता हो या बेहोशी आती हो या उनके शरीर में कमजोरी हो या भूख कम लगती हो या उनका बॉडी का वेट तेज़ी से बढ़ नहीं रहा हो या उनका हाइट बढ़ नहीं रही हो या उनकी पूरी बॉडी का ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो पा रही हो, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए बेस्ट सिरप के बारे में जानते हैं। डेक्सारेन सिरप। इस सिरप का उपयोग स्पेशली बच्चों के लिए किया जाता है। इस सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और इस सिरप का उपयोग किस किस प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे और इस सिरप के MRP के बारे में जानेंगे और इस सिरप के डोज के बारे में जानेंगे और इस सिरप को पीने के टाइम क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसकी लेने के समय क्या क्या प्रिवेंशन क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेक्सारेन सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। यह 60 ml प्रेजेंट रहता है। इसकी MRP होती है 86 रुपये। अब हम डेक्सारेन सिरप के ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है फेरिक एमोनियम सिट्रेट 50 mg। सेकेंड है प्रोटीन 0.333 g। थर्ड है साइनोकोबालमिन 2.5 mcg। फोलिक एसिड 200 mcg। ये सब मिक्स रहता है डेक्सारेन सिरप के अंदर। अब हम डेक्सारेन सिरप का उपयोग किस किस प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं डॉक्टर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है किसी बच्चे को खून की कमी हो या उसको निमोनिया हुआ हो जब इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सेकेंड, किसी बच्चे का वजन तेजी से बढ़ नहीं रहा है या उन्हें भूख कम लगती है, उन्हें चक्कर आता है, बेहोशी जैसा महसूस होता है या वो थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उनके शरीर में बहुत अधिक थकावट देखने को मिलती है जब इस सिरप का उपयोग करते हैं। या किसी बच्चे का बॉडी का वेट तेजी से बढ़ नहीं रहा है या उनके पूरे बॉडी का ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही है जब भी इस सिरप का उपयोग करते हैं और उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो या आयरन की कमी हो या फोलिक एसिड की कमी हो या विटामिन B12 की कमी हो या प्रोटीन की कमी हो जब भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। ये सब है डेक्सारेन सिरप के कॉमन यूज। अब हम डेक्सारेन सिरप के डोज के बारे में जानते हैं। कभी भी डोज को एज, सेक्स, बॉडी वेट और हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस सिरप के डोज को डिसाइड किया जाता है। हम इस वीडियो में डेक्सारेन सिरप के जनरल डोज के बारे में जानते हैं। 1 year से 3 year के बच्चों को सुबह शाम 2 ml पिलाया जाता है और 3 year से 5 year के बच्चों को सुबह शाम 3-3 ml पिलाया जाता है। इस सिरप के डोज को आपके डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आपके बच्चे डेक्सारेन सिरप ले रहे हैं तो उनको ये सिरप सूट नहीं हो रही हो या डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हो या आप अधिक डोज ले रहे हो तो आपके बच्चों में किन किन प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ओमेटिंग, नोजिया, डायरिया, एलर्जी, मतलब कि स्किन में किसी प्रकार की खुजली देखने को मिलेगी या लाल रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे और एब्डोमल पेन या पेट में दर्द होने को हो सकता है या यूरिन करने के टाइम जलन हो सकती है। ये सब है कॉमन साइड इफेक्ट डेक्सारेन सिरप के। डेक्सारेन सिरप को लेने के टाइम क्या प्रिवेंशन क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि आप कभी भी इस सिरप को अपने मर्जी से या किसी और के बताए हुए जब इस सिरप न लें। हमेशा इस सिरप का उपयोग डॉक्टर के बताने के बाद ही इस सिरप का उपयोग करें और इस सिरप को ले रहे हो तो आपके शरीर में किसी प्रकार का फीवर ना हो या किसी प्रकार की बीमारी ना हो जब इस सिरप आपको बेस्ट तरीके से बेनिफिट दे सकती है। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।